you are watching chemistry by sadhanavar for coaching and tuition classes of matric fsc o-level and a-level students kindly contact at this whatsapp number 3737. रहीम तो जी हाँ कल जो हमने अपना टॉपिक शुरू किया हुआ था कैनाइटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसकी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ इसकी दूसरी वीडियो को इसके दूसरे हिस्से को आज डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन विस्कोसिटी एंड मीन फ्री पाथ मीन फ्री पाथ को हम लम्डा से डिनोट करते हैं एंड व्हाट इज़ मेन फ्री पाथ ये आपको आना चाहिए गैसेस का गैसेस के चैप्टर में आपको मेन फ्री पाथ का कंसेप्ट मिल जाएगा हम इसको कंटिन्यू करते हैं ये हम, हमारे पास एक डायग्राम है इसको हमने वाई एक्सिस कहा इसको जेड एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस कहा ये बुनियादी तौर पर एक सिलेंडर है जिसमें गैस के मालिक्यूल मूव कर रहे हैं हमने तीन लेयर्स गैस की कंसिडर की हुई हैं एक का नाम लेयर ए दूसरी का नाम गैस की लेयर बी तीसरी का नाम गैस की लेयर सी तो ये सिलेंडर की वॉल है जिसमें गैस के मालिक्यूल बंद हैं ये वो सिलेंडर की वॉल है जिसमें गैस के मालिक्यूल बंद हैं और गैस ये जो लेयर बी है लेयर बी का और सिलेंडर की वॉल वाई से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एक्स है गैस की लेयर भाई गैस की ये गैस की लेयर बी का वॉल से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एक्स है इन लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने लमडा से डिनोट किया मीन फ्री पाथ लमडा से डिनोट किया इसको पढ़ते हैं इन ऑर्डर टू डराइव द मैथमेटिकल रिलेशनशिप ये चीज़ समझने वाली है मैथमेटिकल रिलेशनशिप ही में स्टूडेंट्स को बच्चों को मसला होता है तो ये समझने वाली बात है लेट इस कंसिडर ए गैस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेयर्स दिस लेयर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बाईस लेयर्स के दरमियान का जो फासला है उसको हमने लमडा से डिनोट किया लमडा से ज़ाहिर किया विच मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस दिस लेयर्स आर मूविंग पैरल टू द वाई एक्सिस एज शोन इन फिगर ये वाई एक्सिस है और ये तीनों गैस की लेयर वाई एक्सिस के पैरल मूव कर रही है वाई एक्सिस ये वाई एक्सिस है और ये तीनों गैस की लेयर इस एक्सेस के पैरल मूव कर रही हैं कंसिडर थ्री लेयर्स लेयर ए लेयर बी और लेयर सी ये जो तीन लेयर्स हैं इन तीन लेयर्स के अब हम बात करने वाले हैं लेयर बी इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वॉल ऑफ ट्यूब पहले ही बता चुका हूं ये वाल है उसकी सिलेंडर की ट्यूब की जिसमें बंद है गैस मालिक्यूल इनकलोज हैं गैस मालिक्यूल की जो लेयर बी है उसका डिस्टेंस इस वाई से एक्स फासले पर है तो यही बात हमने लिखी कि लेयर बी इज़ एट अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम द वॉल ऑफ ट्यूब द गैस फ्लोज विद ए वेलोसिटी यू गैस की वेलोसिटी है यू मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी और वेलास्टिक को हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं द वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें पता है पहले पढ़ चुके डी यू बाई डी एक्स वेलासटी ग्रेडियंट होता है इसका क्या मतलब है दिस मीन्स डैट फ्लो रेट इंक्रीज बाय एन अमाउंट डी यू पर ईच इंक्रीमेंट ऑफ द डिस्टेंस डी एक्स द वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी एक्स का मतलब है कि जब डिस्टेंस थोड़ा डिस्टेंस डी एक्स का इजाफा होगा डी स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स के इंक्रीमेंट के साथ वेलोसिटी डी यू बढ़ेगी यानी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी जब डिस्टेंस एक्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा वट वट इसका मतलब क्या दिस मीन्स डैट फ्लो रेट इंक्रीज़ बाय एन अमाउंट डी यू पर ईच इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कहते हैं बढ़ जाना ऑफ द डिस्टेंस डी एक्स जैसे ही थोड़े से डिस्टेंस डी एक्स में अजाफा होगा क्योंकि अजाफा बहुत छोटा है बहुत थोड़ा बहुत थोड़ी इंक्रीमेंट है इसलिए हमने डी एक्स एक्स इंक्रीमेंट है वो बहुत थोड़ी है इसलिए उसके साथ स्मॉल डी का लगा दिया ये स्मॉल डी फिज़िकल केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को तो वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी एक्स का मतलब है फ्लोरेट इंक्रीज बाय एन अमाउंट डी यू पर ईच इंक्रीमेंट ऑफ द डिस्टेंस डी एक्स यानी डी एक्स इजाफे से रेट की जो वेलोसिटी बढ़ेगी वो डी यू है अलॉन्ग दस पैरपेंडिकुलर टू दाई एक्सेस फिर यहाँ हमारे पास कुछ इक्वेशन बन रही हैं इनको हम नाम दे देते हैं विलासटी ऑफ द लेयर बी जो ये लेयर बी है इसकी विलासटी की बात कर रहे हैं लेयर बी की विलासटी की बात कर रहे हैं इसको हम यू एक्स से रिप्रजेंट किया लेयर बी की विलासटी को यू एक्स से रिप्रजेंट किया और वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी एक्स डी यू बाय डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया इस डिस्टेंस एक्स से तो हमें वेलोसिटी लेयर बी की मिल जाएगी अगर हमें लेयर बी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमको क्या करना होगा लेयर बी की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट को इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है किस डिस्टेंस के साथ लेयर बी का जो डिस्टेंस इस वाई के साथ है वाई एक्सिस के साथ ये वाई एक्सिस क्या है ये ट्यूब की वाल है उस ट्यूब की उस सिलेंडर की उस वेसल की जिसमें गैस मालिक्यूल बंद है उसकी एक वाल वाई है उसका डिस्टेंस लेयर बी के साथ जो डिस्टेंस है वो एक्स है तो लेयर बी की वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और लेयर ए की वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करना है और लेयर सी की वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं यहाँ बता रहा हूँ पहले इसको देखते हैं वेलोसिटी ऑफ लेयर बी इसको इक्वेशन वन का नाम दे दें अब वेलोसिटी ऑफ लेयर ए पर आ जाएँ वेलोसिटी ऑफ लेयर ए इसको यू वेलोसिटी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू से अब किस किस चीज़ की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लेयर ए देखें अब लेयर ए का यहाँ से डिस्टेंस देखें कितना डिस्टेंस है ये एक्स प्लस ये लिमडा लेयर ए का डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये देखें लेयर ए का डिस्टेंस कहाँ से देखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है डिस्टेंस क्या डिस्टेंस है एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है एक्स और उसके बाद डिस्टेंस है लमडा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है लमडा तो हमने इसलिए एक्स प्लस लमडा किया और वेलोसिटी ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई कर दें इस डिस्टेंस के जो कि क्या है ये मल्टीप्लाई का साइन हो गया एक्स प्लस लेमडा या लमडा प्लस एक्स कर दें तो यही हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ लेयर इज़ डी यू बाई डी एक्स वेलास्टी ग्रेडियंट को एक्स प्लस लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इक्वेशन टू कह दिया इक्वेशन टू का नंबर अलॉट कर दिया अब वालासटी ऑफ सी को देखें अब सी का फ़ासला वाई के साथ कितना है पहले तो देखें कि इस लेयर और इस लेयर के दरमियान कितना डिस्टेंस है जो डिस्टेंस है वो है लेमडा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है एक्स तो अगर हमने ये डिस्टेंस निकालना होगा तो हमें इस एक्स में से इस लमडा को माइनस करना है तो यही काम हमने किया एक्स माइनस लमडा किया और वेलोसिटी ग्रेडियंट को एक्स माइनस लमडा से मल्टीप्लाई किया ये थ्री इक्वेशन है इस बात को दोबारा समझ लें अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को दो तीन बार देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी टूवर्ड्स आगे बढ़ते हैं स्पोर्स ए मालिक्यूल ऑफ मैस एम प्रेजेंट इन द लेयर ए ट्रांसपोर्ट टू द लेयर बी गैस के मालिक्यूल लेयर ए से लेयर बी की तरफ़ मूव कर रहे हैं तो मोमेंटम मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है हमने ये बात पिछले लेक्चर में की थी ना पिछले लेक्चर की वीडियो अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी होगी ये हमने इसमें ये बात की थी कि ए और बी के मालिक्यूल आपस में शिफ्ट हो रहे हैं तो मोमेंटम ऑफ ए मालिक्यूल इन द लेयर ए मोमेंटम का फार्मूला हमें पता है मैस और इनटू वालासटी होता है मैस के लिए एम और वेलोसिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो हमने वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट की लेयर ए के लिए वो इक्वेशन टू से ये वाली ये ये वेलोसिटी कैलकुलेट की तो ये हमने यहाँ पुट कर दी और इसको इक्वेशन फ़ोर कह दें मोमेंटम ऑफ मालिक्यूल इन द लेयर बी मोमेंटम हमें पता है मैस इनटू वेलोसिटी होता है और लेयर बी की वेलोसिटी हमें पता है कि लेयर बी की वेलोसिटी ये वाली है तो इस चीज़ को मैस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्वेश्चन बन जाएगी क्वेश्चन फाइव इसको नंबर अलाट कर दें हो रहा है इफ़ ए मालिक्यूल इंटरचेंज और हमें पता है कि मालिक्यूल इंटरचेंज होते हैं दोनों लेयर्स के मालिक्यूल आपस में इंटरचेंज होते हैं दैन द रेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय तो अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना है और वो कैसे कैलकुलेट करना है वो ऐसे कैलकुलेट करना है कि इक्वेशन इक्वेशन फाइफ को माइनस कर देना है इक्वेशन फ़ोर से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय सब्ट्रकटिंग यहाँ लिखें सब्ट्रकटिंग इक्वेशन फाइफ बाय इक्वेशन फोर यानी इक्वेशन फाइफ को इक्वेशन यानी सॉरी इक्वेशन देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो इक्वेशन फाइव को माइनस कर दें इक्वेशन फोर में से यही काम ये यह किया है तो लिखें इक्वेशन फाइव इक्वेशन फाइव बाय इक्वेशन फोर इक्वेशन फाइफ को माइनस कर दें इक्वेशन फोर में से इक्वेशन फोर में से इक्वेशन फाइव को माइनस कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए वही काम किया इक्वेशन फाइव को माइनस कर दिया इक्वेशन फोर में से तो ये इक्वेशन फोर हमारे पास लिखी हुई है इस ये क्वेश्चन फाइव है ये इक्वेशन फ़ोर है इसको सोल्व किया पहले इसको, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर इस फैक्टर को लमडा के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कुछ कटेगा ये माइनस का है ये प्लस का ये कट जाएगा जो बच जाएगा तो वो इसको यहाँ पर लिख दें और इसको इक्वेशन सिक्स इसको इक्वेशन सिक्स कह दें ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बता रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इक्वेशन सिक्स बता रही है द इक्वेशन सिक्स शोज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू वन मालिक्यूल वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल मूविंग अप एंड डाउन इन वन सेकंड थ्रू वन मीटर स्केयर ऑफ द लेयर विच आर इफेक्टिव इन मोमेंटम एक्सचेंज फॉर दिस पर्पस कंसीडर दिस डायग्राम ये गलत बन गई है इसको छोड़ दो इस डायग्राम को देखो ये डायग्राम है जिसमें जो हमारी हेल्प करेगी क्या चीज़ कैलकुलेट करने में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल मूविंग अप एंड डाउन ये थ्री डायमेंशनल के डायग्राम है ये एक सिलेंडर है एक वेसल है जिसमें मालिक्यूल कुछ मालिक्यूल गैस के ऊपर जा रहे हैं कुछ मालिक्यूल गैस के नीचे जा रहे हैं और मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है फॉर दिस परपजस कंसिडर दिस डायग्राम इस साइड को ये भी वन मीटर की साइड ये भी वन मीटर की साइड और ये जो लेंथ है ये वाली साइड इसकी बात कर रहा हूँ ये भी वन मीटर की साइड और ये भी साइड और जो ये लेंथ है, इसकी यहां से लेकर यहां तक है सी बार डी टी और ये ये मीटर मीटर में है। ये किस में। है, है एक बात क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं। मालिक्यूल आर मूविंग डाउनवर्ड फर्ज कीजिए सपोज करो कि ऑल द दा मालिक्यूल आर मूविंग डाउनवर्ड विद एन एवरेजिसी ऊपर से जितने मालिक्यूल नीचे आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी है सी बार ये हमने सपोज किया सपोज डेट ऑल द मालिकल आर मूविंग डाउनवर्ड विद एन एवरेज वेलोसिटी सी बार इन अ वेरी शॉर्ट टाइम और बहुत थोड़ा टाइम है तो बहुत थोड़े टाइम में चेंज यानी बहुत थोड़ा टाइम उन्होंने लिया तो बहुत थोड़ा ये जो स्मॉल डी है फिज़िकल केमिस्ट्री में ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है तो बहुत थोड़ा टाइम शॉर्ट टाइम तो इसलिए हमने शॉर्ट टाइम इंटरवल है इसलिए हमने डी टी लिख दिया स्पोज डेट ऑल द मालिक्यूल आर मूविंग डाउनवर्ड विद एन एवरेज वालासटी सी बार ऊपर से नीचे आने वाले मालिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी सी बार है और जिस टाइम में वो आ रहे हैं वो टाइम डी टी है ईच मालिक्यूल ट्रेवल ए डिस्टेंस सी बार डी टी इन टाइम इंटरवल डी टी तो यही बात तो हम कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे जो मालिक्यूल आ रहे हैं गैस के वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये वाला डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और कितने टाइम में कवर कर रहे हैं डी टी टाइम में कवर कर रहे हैं किस वेलोसिटी के साथ कवर कर रहे हैं सी बार वेलोसिटी के साथ कल कवर कर रहे हैं तो हमें पता है डिस्टेंस कल हमें एक फार्मूला पता है एस इज़ इक्वल टू वी टी फिजिक्स में हमें, हमें पता है कि डिस्टेंस टाइम रिलेशन एस इज एस इज इक्वल टू वी टी तो जो डिस्टेंस है एस ये वाला डिस्टेंस वेलोसिटी है सी बार वो गैस के मालिक्यूल जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी है सी बार और किस जो टाइम उनको लग रहा है वो है डी टी तो डिस्टेंस क्या बन के यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या बन गया सी बार डी टी तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी एच मालिक्यूल ट्रेवल डिस्टेंस सी बार डी टी इन टाइम इंटरवल डी टी अब हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए इस साइड को इस साइड को और इस साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन वेसल शोन इन डायग्राम वॉल्यूम के लिए तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो ये जो डिस्टेंस है डिस्टेंस भी किस में है मीटर में है तो हमारे पास ये मीटर ये मीटर और ये मीटर मीटर क्यूब हो गया और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर सी बार डी टी मीटर क्यूब आ गया ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास ये क्या आ गया वॉल्यूम आ गया इस वॉल्यूम को इक्वेशन सेवन का नंबर अलॉट कर दो ताकि खुश हो जाए अब ये क्या था एक मालिक्यूल के लिए ये हमने एक ये कहानी ये अफसाना एक मालिक्यूल के लिए किया ये सारी कैलकुलेशन एक मालिक्यूल के लिए की अगर आपको नहीं समझ आ रही तो थोड़ी सी फिज़िक्स और मैथमेटिक्स मेटिक्स स्ट्रॉन्ग करोगे तो इन समझ आएगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कितनी समझ आ रही है क्योंकि इस तरह के टॉपिक को पढ़ाते हुए मैं ज़रूर सोचता हूँ मेरा जो ऑडियंस है वो केमिस्ट्री के बच्चे हैं और जब उनमें चीज़ें हमें फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की लेनी पड़ रही हैं समझने के लिए तो आपको कितनी समझ आ रही है कितने परसेंट समझ आ रही है आप मुझे ज़रूर बताएं मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ नाउ वी वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मालिक्यूल मूविंग अप एंड डाउन इन वन सेकेंड पहले तो उन मालिक्यूल को कैलकुलेट करो जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं और किस वेलोसिटी के साथ आ रहे हैं वी वी सॉरी सी बार वेलोसिटी के साथ आ रहे हैं नीचे एवरेज वेलोसिटी हमने ये ली और कितने टाइम में आ रहे हैं डी में आ रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हुआ डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है एस इज़ इक्वल टू वी टी अब वेलोसिटी क्या है सी बार है टाइम क्या है डी है तो हमने ई ए जो डिस्टेंस है ये सी बार डी है और जो ये डिस्टेंस है ये स्मॉल डिस्टेंस ये वन मीटर है और ये डिस्टेंस वन मीटर है तो इस वेसल का वॉल्यूम जब हमने कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम के लिए तीनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे सी बार डी टी मीटर में है मल्टीप्लाई होगा वन मीटर मल्टीप्लाई होगा वन मीटर तो ये हो जाएगा सी बार डी टी मीटर क्यूब तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी ये एक मालिक्यूल के लिए था सपोज द नंबर ऑफ मालिक्यूल आर एन अगर एक मालिक्यूल ना हो दो मालिक्यूल हो तीन मालिक्यूल हो, चार मालिक्यूल हो पचास मालिक्यूल हो पाँच हज़ार मालिक्यूल हो, एन मालिक्यूल हो दैन द मालिक्यूल जंपिंग फ्रॉम अपर टू द लोअर लेयर इन टाइम डी टी इज तो क्या होगा एन सी डी टी तो ये हो जाएगा देखो देखो कि दोबारा देखो एक मालिक्यूल के लिए एक मालिक्यूल के लिए जो मालिक्यूल ऊपर से नीचे आ रहे हैं ऊपर से नीचे जो मालिक्यूल आ रहे हैं उनके लिए जो डिस्टेंस बना वो सी बार डी टी बना एक मालिक्यूल के लिए दो मालिक्यूल के लिए दो से मल्टीप्लाई कर दो तीन मालिक्यूल के लिए तीन से मल्टीप्लाई कर दो n मालिक्यूल के लिए n से मल्टीप्लाई कर दो n C बार डी टी तो यही काम तो किया है नंबर ऑफ आर देन द मालिक्यूल जंपिंग फ्रॉम अपर टू द लोअर लेयर इन टाइम डी टी एन सी बार डी टी एक मालिक्यूल के लिए कितना था सी बार डी टी दो मालिक्यूल के लिए दो से मल्टीप्लाई किया तीन मालिक्यूल के लिए तीन से मल्टीप्लाई किया एन मालिक्यूल के लिए एन से मल्टीप्लाई किया मालिक्यूल है ना वो एन सी बार डी टी है ये क्या है टोटल मालिक्यूल है ठीक जो कुछ ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं एक्स एक्सिस में जा रहे हैं कुछ वाई वाई एक्सेस में जा रहे हैं कुछ एक्सएक्सेज में जा रहे हैं कुछ जेड एक्सेज में जा रहे हैं टोटल मालिक्यूल कितने हैं एन एन इंटू सी बार डी टी ये टोटल मालिक्यूल की तदाद है जिनमें से कुछ एक्सएक्सेज में जा रही है कुछ वाई एक्सेज में जा रही है कुछ जेड एक्सेज में जा रही है आउट ऑफ दिस टोटल मालिक्यूल टोटल मालिक्यूल कितने हैं एन सी बार डी टी ये टोटल मालिक्यूल हैं इन टोटल मालिक्यूल में से कुछ हिस्सा इसको हमने वाई एक्सिस का घबराना नहीं है आपने हमेशा इसको एक्स होना होगा इसको वाई भी कह सकते हैं इसको एक्स एक्सिस बोला और इसको जेड एक्सिस बोला ठीक तो ये टोटल मालिक्यूल हैं टोटल मालिक्यूल में से मेरे दोस्तों टोटल मालिक्यूल में से ये टोटल मालिक्यूल हैं इस टोटल मालिक्यूल में से थर्टी थ्री परसेंट एक्सिस की तरफ गए 33% थ्री परसेंट वाई एक्सिस की तरफ गए और 33% थ्री परसेंट जेड एक्सिस की तरफ गए तो यही तो लिखा थर्टी थ्री परसेंट आर मूविंग अलॉन्ग एक्सएक्सिस थर्टी थ्री परसेंट आर मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सिस मालिक्यूल का थर्टी थ्री परसेंट आर मूविंग जेड एक्सिस इन टोटल मालिक्यूल का थर्टी थ्री परसेंट 33% थर्टी थ्री परसेंट वाई एक्सिस और थर्टी थ्री परसेंट में मूव कर रहा है फिर और कुछ मालिक्यूल क्या कर रहे हैं इन्हीं टोटल मालिक्यूल का कुछ मालिक्यूल ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं और कुछ मालिक्यूल कुछ मालिक्यूल नीचे से ऊपर भी मूव कर रहे हैं अब जो मालिक्यूल ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं वो उनकी बात करते हैं जो मालिक्यूल ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं वो 50% परसेंट हैं और नीचे से जो ऊपर मालिक्यूल मूव कर रहे हैं वो भी 50% परसेंट हैं टोटल मालिक्यूल पहले तो हम ये टोटल मालिक्यूल कितने थे एन बा सॉरी एन C बार डी टी टोटल मालिक्यूल है इन टोटल मालिक्यूल का 33% थ्री परसेंट एक्स एक्सिस में हो गया 33% थ्री परसेंट वाई एक्सिस में हो गया 33% थ्री परसेंट जेड में हो गया इसके बाद इस 33% थ्री परसेंट का 50% परसेंट ऊपर जा रहा है इस 33% थ्री परसेंट का 50% परसेंट नीचे आ रहा है इस 33% थ्री परसेंट का 50% परसेंट ऊपर जा रहा है इस 33% थ्री परसेंट का 50% परसेंट नीचे आ रहा है पिक कर रहे हो कि नहीं 50 परसेंट ऑफ द मालिक्यूल आर मूविंग डाउनवर्ड एंड 50 परसेंट ऑफ द मालिक्यूल आर मूविंग अपवर्ड इसका क्या मतलब है इट मीनस डैट नंबर ऑफ मालिक्यूल पासिंग टू द लोअर लेयर इज 50 परसेंट ऑफ 33 थ्री यानी जो 33 थ्री मालिक्यूल थे जो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या एक्सिस में मूव कर रहे थे उन 33 थ्री परसेंट का 50 परसेंट क्या दोबारा सुनो उस 33 थ्री परसेंट का 50 परसेंट हमने निकालना है और वो कितना बनता है वो वन बाई सिक्स बनता है कैसे मैं आपको सामने निकालता हूँ देखो अभी मैं कैलकुलेशन करता हूँ थर्टी थ्री परसेंट का मतलब होता है इसको हंड्रेड परसेंट से डिवाइड करो तो ये बनता है ज़ीरो पॉइंट थ्री थ्री यानी ज़ीरो पॉइंट थ्री थ्री का फिफ्टी परसेंट कैसे निकालेंगे ऐसे निकालेंगे तो ये कैलकुलेशन करो ये कैलकुलेशन करने से ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स आता है वन सिक्स थर्ट ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स एन सी बार डी टी और जीरो पॉइंट वन सिक्स को हम वन बाय सिक्स भी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप क्या करो आप वन बाय सिक्स को डिवाइड करो तो आंसर ये आएगा इस चीज़ को मैं रिपीट कर देता हूँ टोटल मालिक्यूल हैं एन सी बार डी टी इन टोटल मालिक्यूल में से 33% परसेंट एक्स एक्सिस में मूव किया 33% परसेंट ने वाई एक्सिस में 33% परसेंट ने जेड एक्सिस में मूव किया तो उन 33% परसेंट का 50% परसेंट मालिक्यूल ऊपर मूव कर रहा है और 50% परसेंट नीचे मूव कर रहा है अब 33% परसेंट का 50% परसेंट कितना बनता है वो बनता है ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स यानी वन बाय सिक्स यहाँ तक तो बात समझ आ गई क्लियर हो गई और अब आगे बढ़ते हैं इसी बात को 0.16 को हम 1 बाय सिक्स भी लिख सकते हैं नहीं यकीन आ रहा तो 1 को 6 से डिवाइड करो 0.16 आएगा तो यही बात मैंने लिखी है इन अदर वर्ड्स 1 बाय सिक्स एन सी एन सी टोटल मालिक्यूल कितने थे हमारे पास एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी एक मिनट एक मिनट एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है पर एक और चीज़ ऐड हमने करनी है सपोज द नंबर ऑफ मालिक्यूल आर एन दैन द मालिक्यूल जंपिंग फ्राम अपर टू द लोअर लेयर इस एन सी डी टी इसके बाद एक चीज़ हमने ऐड करनी है वो चीज़ यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ इन टाइम डी टी अगर टाइम डी टी है इन टाइम डी टी सेकेंड नंबर ऑफ़ मालिक्यूल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स नंबर ऑफ़ मालिक्यूल करोसिंग करोसिंग क्या है एन सी बार डी टी ये हमें पता चल गया ना एन सी बार डी टी इन टाइम डी टी नंबर ऑफ मालिक्यूल क्रॉसिंग जो ऊपर कुछ ऊपर और कुछ नीचे जा रहे हैं वो टाइम डी टी में कितने हैं एन सी बार डी टी तो वन सेकेंड में कितने होंगे इन ये डी टी ये डी टी सेकेंड है डी टी सेकेंड इन वन सेकेंड नंबर ऑफ इन वन सेकेंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ मालिक्यूल्स सिंक वो कितने होंगे एन सी बार डी टी डिवाइड बाई डी टी वही यूनिटी मेथड डी टी से डी टी हो जाएगा और क्या है बचेगा जो बचेगा वो एन सी एन सी बार बचेगा एन सी बार अब ये टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल है दोबारा सुनो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है उस दुरुस्त कर लो सपोज द नंबर ऑफ़ मालिक्यूल आर एन दैन मालिक्यूल जंपिंग फ्रॉम अपर टू द लोअर इन टाइम डी टी इज़ एन सी बार डी टी ठीक हो गया अगर डी टी टाइम डी टी सेकेंड टाइम में जो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल हैं वो एन सी बार डी टी हैं तो एक सेकेंड में कितने होंगे एन सी बार डी टी डिवाइड बाई डी टी इस तरह ये कैलकुलेशन होती है डी टी से डी टी कैंसल अब जब बचेगा वो एन सी बार है ये एन सी बार ये टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल है तो इसको लेकर आगे चलेंगे तो आप टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल सिर्फ यहाँ एक चीज़ दुरुस्त कर लो टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल में क्या है टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल अब टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल एन सी बार है अब इस एन सी बार का थर्टी थ्री परसेंट एक्सेक्स में जाएगा इस एन सी बार मालिक्यूल का थर्टी थ्री परसेंट बाई एक्सिस में जाएगा और इस एन सी बार मालिक्यूल का 33 थ्री परसेंट जैड एक्सिस में जाएगा और 50 परसेंट ऑफ द मालिक्यूल आर मूविंग डाउनवर्ड एंड 50 परसेंट ऑफ द मालिक्यूल आर मूविंग अपवर्ड बाकी सब चीज़ें वैसे के वैसे रहेंगी बस वही एक कोरोक्शन थी तो टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल कितने हैं टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल हैं कितने हैं एन सी बार ये टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल हैं एन सी बार टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल ये हैं इन एन सी बार में से तो टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल की तादाद ये है उनमें 33 थ्री परसेंट एक्सएक्सिस में जाएगा टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल का 33 थ्री परसेंट वा एक्सिस में जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ मिली का 33 थ्री परसेंट जेड एक्सिस में जाएगा बाकी सारी कैलकुलेशन वैसे ही तो यहाँ पर भी जो हमने डी टी है ये कैंसिल करो डी टी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि डी टी क्यों नहीं आएगा वो आप यकीन समझ गए होंगे नंबर ऑफ़ मालिक्यूल पासिंग लोअर लेयर एंड थर्टी थ्री परसेंट का फिफ्टी परसेंट थर्टी थ्री परसेंट को पहले ख़त्म करो हंड्रेड परसेंट से डिवाइड करो तो ज़ीरो पॉइंट थ्री थ्री आता है यानी ज़ीरो पॉइंट थ्री थ्री का फिफ्टी परसेंट ऐसे निकलेगा वो कितना बनेगा ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स एन सी बार ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स का मतलब होता है वन बाई सिक्स एन सी बार तो इन अदर वर्ड्स वन बाई सिक्स एन सी बार विल गो फ्रॉम लोअर टू द हायर लेयर ठीक हो गई कहानी द टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल एक्सचेंजिंग मोमेंटम पर सेकेंड बिटवीन टू लेयर इसलिए टू से मल्टीप्लाई कर दिया टू वन जार टू टू थ्री दिक्कस वन बाई थ्री एन सी बार ये तो टोटल टो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल आ गए इसको इक्वेशन एट अलॉट कर दो ये इक्वेशन एट हो गई अब क्या करो अब इक्वेशन अब इक्वेशन एट के बाद इक्वेशन अब ये काम करना है कि ये जो इक्वेशन सिक्स है जो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू वन मालिक्यूल दे रही है इसको मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन एट से तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन सिक्स एंड इक्वेशन एट मल्टीप्लाई इक्वेशन सिक्स एंड इक्वेशन ऐट टू गेट दी टू गेट दी मोमेंटम ट्रांसपोर्ट पर सेकेंड निकालने के लिए इक्वेशन सिक्स को इक्वेशन एट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जस्ट देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सिक्स कौन सी है ये दोबारा देखें ये इक्वेशन सिक्स है इसको लिखें एमलडा डी यू बाई डी एक्स ये मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन एट के साथ तो ये मल्टीप्लाई हो गई और मल्टीप्लाई होने के बाद जो बचेगी चीज़ वो हम लिख देंगे ये बनेगा वन बाई थ्री एम एन सी बार लम्डा डी यू बाई डी एक्स और इसको इक्वेशन नाइन हमने नंबर दे दिया अब ये इक्वेशन नाइन क्या है दिस इक्वेशन नाइन क्या बता रही है मोमेंटम ट्रांसपोर्ट पर सेकंड। इक्वेशन नाइन इक्वेशन नाइन टेल्स अस अबाउट ये बड़ा जब ये बड़ा जानना जरूरी है कि कौन सी इक्वेशन क्या बता रही है इक्वेशन नाइन टेल्स अबाउट मोमेंटम मोमेंटम ट्रांसपोर्ट मोमेंटम ट्रांसपोर्ट पर सेकंड तो इक्वेशन नाइन और अगर आपको याद हो क्या करना है इक्वेशन नाइन को एक और इक्वेशन से कंपेयर करना है और वो कौन सी इक्वेशन है वो है इक्वेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स तो हम लिखेंगे वी वी नाउ इक्वेशन फॉर फ्रिक्शनल फोर्स वो मैं आपको बता देता हूँ वो इक्वेशन क्या है वो है ईटा डी यू डीएक्स डी एक्स ये इक्वेशन है इसको इक्वेशन टेन कह देते हैं अब इक्वेशन नाइन और इक्वेशन टेन को हमने कंपेयर करना है इक्वेशन नाइन और इक्वेशन टेन दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट हैं तो हमें कंपेयर करना है इक्वेशन टेन क्या है ये फ्रिक्शनल फोर्स है और इक्वेशन नाइन क्या है ये मोमेंटम ट्रांसपोर्ट पर सेकंड मोमेंटम ट्रांसपोर्ट पर सेकंड होने ही से फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होती है मोमेंटम ट्रांसपोर्ट पर सेकेंड एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स ही है इसलिए इक्वेशन नाइन और इक्वेशन टेन को हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके लिखेंगे और देखेंगे क्या बनता है करने का मतलब होता है कि एक दूसरे के बराबर लिख दो और इसमें देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा है तो कैंसल आउट कर दो डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स यहाँ से कैंसल आउट हो रहा है तो कैंसल आउट कर दो ये जो बच रहा है वो ईटा इज इक्वल टू वन ओवर थ्री एम एन सी बार लमडा ये बच रहा है ये एम एन ये मैस और जो नंबर ये क्या है डेंसिटी ऑफ ए गैस ये है डेंसिटी ऑफ ए गैस डेंसिटी ऑफ गैस इसको डी से रिप्रेजेंट कर दो मैस और नंबर ऑफ मालिक्यूल देखा डेंसिटी डेंसिटी ऑफ गैस के लिए मैस को गैस के नंबर ऑफ मालिक्यूल से मल्टीप्लाई करो तो डेंसिटी ऑफ गैस है डी इज़ इक्वल टू एम एन है तो ये इसको इक्वेशन इलेवन कह दो और इक्वेशन 11 को ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन एवन को आप कैसे लिख सकते हैं ईटा इज़ इक्वल टू वन ओवर थ्री एम एन की जगह डेंसिटी का साइन डाल दो सी बार इन टू लेमडा तो और हमें एक और चीज़ पता है वो इसको पहले इक्वेशन ट्वेल्व कह दो वी नाओ सी बार इज इक्वल टू एट आर टी ओवर पाई एम ये हमें पहले से ही पता है एट एट आर टी ओवर पाई एम के बराबर होता है तो इक्वेशन ट्वेल्व में ये चीज़ पुट करेंगे इसको इक्वेशन थर्टीन कह देंगे और इक्वेशन थर्टीन को इक्वेशन ट्वेल्व में पुट करो पुट इक्वेशन थर्टीन इन इक्वेशन ट्वेल्व तो इक्वेशन ट्वेल्व हो जाएगी ई इज़ इक्वल टू वन ओवर थ्री डी सी बार की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें सी बार की जगह इक्वेशन थर्टीन में से ये वैल्यू पुट कर दें एट आर टी ओवर पाई एम तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी इसको इक्वेशन 14 कह दें इक्वेशन 14 कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी बता रही है ईटा क्या है कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये डिपेंड कर रहा है डेंसिटी ऑफ गैस पे, मीन फ्री पाथ पे टेम्परेचर पे मोलर मास पे तो इक्वेशन 14 में जो ईटा है ईटा क्या है यह है कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशेंट कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी और ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है इधर देखो डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है मीन फ्री पाथ पर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है और मोलर मास ऑफ गैस पर डिपेंड कर रहा है इक्वेशन 14 को रीअरेंज इस तरह करो कि इक्वेशन 14 में से मीन फ्री पाथ लमडा को अलग कर लो फोटीन को इस तरह करो कि इसमें से ये जो लमडा है इस लमडा को मीन फ्री पाथ को अलग कर लो तो ये इसको इधर ही लेने दो तो बाकी सब चीज़ें उधर ले जाओ तो ये बनेगा लमडा इज़ इक्वल टू थ्री ईटा डिवाइडेड बाय डी अंडर रूट एट आर टी ओवर पाई एम ये चीज़ बन जाएगी ये इसको इक्वेशन फिफ्टीन का नंबर दे दो ताकि ये खुश हो जाए इक्वेशन 15 क्या बता रही है कि मीन फ्री पाथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी मीन फ्री पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा तो